वेरी गुड मॉर्निंग डियर्स. आफ्टर टू और थ्री डेज मैंने लेक्चर नहीं डाले पीछे क्योंकि बिजी शेड्यूल चल रहा था, पर आज के बाद आपको लेक्चर रेगुलर मिलेंगे और हम बहुत जल्दी से सिलेबस को निपटाने की अब कोशिश करेंगे. सॉरी फॉर दैट कि आप लोगों का सिलेबस मेरे कारण से रुक रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है. आप लोग मेहनत करें साथ साथ. और हम लोग आज टॉपिक करने जा रहे हैं, लास्ट टॉपिक था हमारा टेंशन के बारे में. मैंने बताया था कि किसी भी स्ट्रिप्स को, हम किसी धागे को या किसी स्ट्रिंग को, किसी लिंक को किसी ऑब्जेक्ट के साथ बांध कर अगर खींचने की कोशिश करेंगे, उस रोप के अंदर, उस थ्रेड के अंदर, उस लिंक के अंदर आने वाला जो खिंचाव है, दैट खिंचाव इज टेंशन, है ना. तो देखिए, हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम, हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम, कार्ट तक तो समझ में आता है कि भाई हमारे टाइम में से गड्ढा बोलते थे पंजाबी में, छकड़ा. हॉर्स, मेरी ड्राइंग देख के हंसना मत, ये वैसे तो पता नहीं क्या बन गया पर बन गया है, तुम समझना कि ये हॉर्स है. ओके, तो मैंने क्या किया, इस हॉर्स को एक कार्ट के साथ बांध दिया जिसका मास क्या है, एम, क्लियर. और इसका मास क्या हो गया बेटे, स्मॉल एम, ठीक है. इस रस्सी के साथ बांध दिया. तो कंसीडर ए कार्ट कनेक्टेड टू अ हॉर्स बाय अ स्ट्रिंग. देखो ये हॉर्स है, ये कार्ट है, तो ये आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं. द कार्ट प्रोड्यूस अ टेंशन. देखो जैसे ही ये आगे मूव करना चलेगा तो ये रस्सी का जो टुकड़ा आपको दिख रहा है ये आपको बिल्कुल सीधा दिखाई देगा, ठीक है. तो इसमें एक खिंचाव प्रोड्यूस होगा, दैट खिंचाव इज टेंशन इन द स्ट्रिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. द कार्ट पुल द हॉर्स. अभी कार्ट भी तो इसे अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि इसके इस तरफ सरफेस कॉन्टेक्ट है, तो एक टेंशन इधर आएगी, क्लियर. तो मैंने न्यूटन थर्ड लॉ में आपको यह पढ़ाया था कि कभी भी फोर्स का एग्जिस्टेंस होगा तो वो इन पेयर फॉर्म में होगा. तो ये बैल आगे की ओर चल रहा है, मतलब घोड़ा आगे की ओर चल रहा है, तो इसको मान लो आप एक तरह का फोर्स एच, नीचे की ओर नहीं जा रहा तो ये क्या बन जाएगा बेटे, उसका mg. ऊपर नहीं जा रहा तो ये क्या हो जाएगा, r. तो ये बात तो क्लियर होगी, mg is equal to r. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. चलिए अब यहां पे इस तरफ इसकी एक्सेलरेशन है बेटे, ठीक. तो घोड़ा आगे जाएगा तो छकड़ा भी आगे खींचेगा. सरफेस कॉन्टेक्ट के कारण एक यहां पे फोर्स प्रोड्यूस होगा जो कि इस टेंशन के अपोजिट होगा, दैट इज क्लियर. तो डायग्राम बनाइए बेटे, शाबाश. बना लो डायग्राम. तो सबसे पहले मैं एफबीडी बना रहा हूं हॉर्स के लिए, फॉर हॉर्स. हॉर्स के लिए सपोज कर लो कि उसका मास क्या हो गया बेटे, एम. ऊपर की ओर आर, नीचे की ओर mg, इस डायरेक्शन में h, इस डायरेक्शन में t, क्लियर. तो एक्सेलरेशन किस साइड हो रहा है, इस साइड हो रहा है. तो आप इसे इक्वेशन क्या बनाओगे कि h ग्रेटर देन t, तो h माइनस t इज इक्वल टू m इंटू a. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट,
अब यहां पे कार्ट के लिए सोचें, फॉर कार्ट, अगर मैं कार्ट की बात करूं नीचे की ओर mg, ऊपर की ओर r, ये टेंशन, F फ्रिक्शनल फोर्स, तो mg इज इक्वल टू r आ गया बेटा, तो गाड़ी तो इसी तरफ चल रही है, तो t ग्रेटर देन क्या होगा F, तो इक्वेशन क्या बनी, t माइनस F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, नोट कर लो बेटे, अब फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन एंड टू क्या बता रहा है वो आपको, h माइनस टी इज इक्वल टू एम इंटू ए, t माइनस एफ एम इंटू ए, इक्वेशन ऐड करोगे, t से t कैंसिल, एडिंग इक्वेशन, तो h माइनस एफ एम प्लस एम इंटू ए, एक्सेलरेशन क्या आ गया बेटे, h माइनस एफ अपॉन में m प्लस H इसका फोर्स, F इसका फोर्स, ये दोनों गिवन होंगे, मास ऑफ ब्लॉक एंड कार्ट एंड मास ऑफ होर्स, एक्सेलरेशन यू गॉट इट, और इस एक्सेलरेशन को अगर आप इस दोनों इक्वेशन में किसी पे भर दोगे तो यू कैन गेट टी, नोट कर लो बेटे अच्छे से ये टॉपिक। इसके बाद हम लोग एलिवेटर प्रॉब्लम्स करेंगे, लो जी अब चलते हैं हम अपने लिफ्ट में, लिफ्ट एलिवेटर जो बड़े बड़े मॉल के अंदर, बड़े बड़े सिनेमा हॉल में, या हम कह सकते हैं हॉस्पिटल्स में, जब मैं छोटा हुआ करता था ना, आप लोग भी शायद लिफ्ट को देखते ही कहते थे चलो ऊपर चलो नीचे, चलो ऊपर चलो नीचे। अब हमारी इसका फिजिक्स से क्या लेना देना है हम उसके बारे में बात करते हैं, कि एक पर्सन है, ही इज अ मिस्टर रामानंद देसाई, ठीक, जिसका मास m है, तो ये जिस सरफेस पे खड़ा है नीचे की ओर इसका क्या आएगा बेटे, वेट, ऊपर की ओर क्या आएगा इसका, नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये मेरे जैसा शौकीन आदमी था, इसने एलिवेटर की तीन पोजीशन को कैच किया, ठीक है, एक बार ये एलिवेटर ऊपर की ओर जा रहा है तो एक्सेलरेशन ऊपर होगा, एक बार ये एलिवेटर नीचे को आ रहा है तो एक्सेलरेशन नीचे की ओर, एक बार एलिवेटर ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन इस टाइम में जीरो। ये है हमारे महानुभाव जो यहां पे खड़े हैं, ठीक,
ठीक जी। और यहां पे भी तीन पोजीशन इसको दे दी, हर जगह पे ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैंने जी ले लिया हर जगह पे, क्लियर। एक बार एलिवेटर ऊपर की ओर जा रहा है, एक बार एलिवेटर नीचे की ओर आ रहा है, तीनों केस में आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, वेट नीचे आर ऊपर, वेट नीचे आर ऊपर, आर इज ए अपेरेंट वेट एमजी और आर, क्लियर। तो मैंने स्टेटमेंट क्या बनाई कि कंसीडर ए मैन ऑफ मास एम स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन प्लेस इन अ लिफ्ट, द एक्चुअल वेट ऑफ मैन इज mg, एक्चुअल वेट ऑफ द मैन इज mg, यहां पे मैं उस आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, ये वेट नीचे की ओर जा रहा है, थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इट एक्ट्स ऑन द मशीन विच ऑफर्स रेजिस्टेंस आर, जो वेट नीचे जा रहा है ये उसको ऊपर की ओर पुल कर रहा है, दैट रेजिस्टेंस इज आर, क्लियर। तो इट अपेरेंट वेट ऑफ द मैन, तो ये तीनों पोजिशन पे हमने इसके लिए काम करना है। शाबाश, नोट कर लो। देखिए, अगर ये ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब अपेरेंट वेट ग्रेटर देन द वेट ऑफ मैन, तो हम इक्वेशन लिखेंगे आर माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इन टू ए, आर माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इन टू ए, क्लियर। अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है, आर माइनस एम जी ओवर में एम, कैलकुलेट। ओके, सेकेंड केस, महाशय का लिफ्ट नीचे जा रहा है, इसका मतलब वेट ज्यादा हो गया, क्लियर। तो क्या लिखेंगे, एम जी माइनस आर इज इक्वल टू एम इन टू ए, तो ए क्या हो जाएगा, एम जी माइनस आर अपॉन में एम। ओके, थर्ड केस, ना ये ऊपर जा रहे हैं ना ये नीचे जा रहे हैं, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो, तो आर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटे, एम जी, क्लियर। चाहे तो आप यहां से आर कैलकुलेट करें और चाहे आप यहां से ए कैलकुलेट करें, सब कैलकुलेट हो सकता है, नोट डाउन करें बेटे। तो दोस्तों, आप लोग इसके नोट्स डेली बनाएं, अब आपको कोई भी दिन आपको लेक्चर नहीं मिस होगा, हर दिन एक टॉपिक मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा, चाहे मैं कितना ही बिजी शेड्यूल में क्यों ना हो, सॉरी फॉर दैट। और चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करें, थैंक यू वेरी मच।